अभी पीछे देख वो क्या है। दोस्तों जब बात रामायण जैसी कथा की आती है तो कई सारे लोगों के दिमाग में इसे लेकर प्रश्न चिन्ह बना रहता है। जहां कुछ लोग तो बिल्कुल कट्टरता से इस पर विश्वास करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीजों को समझदारी से देखने परखने और समझने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक है तो आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वो राम सेतु हो या फिर भगवान हनुमान के अस्तित्व से जुड़ी जानकारी, ये सब आज के इस वीडियो में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक कि रावण के महल से लेकर लक्ष्मण को सुंघाई जाने वाली जड़ी बूटी तक उन सब के फैक्ट्स आज आपको जानने को मिलेंगे, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस हमारा और वीडियो का साथ अंत तक मत छोड़िएगा। संजीवनी बूटी, आइए सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ी बूटी के बारे में जिसकी चर्चाएं इतिहास काल से चली आ रही हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, हम संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसे लक्ष्मण जी को सुंघाया गया था। पर क्या आप जानते हैं जिस जगह पर लक्ष्मण जी ने इस जड़ी बूटी को सुंघा था वहाँ पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में उस तरह की जड़ी बूटी पाई ही नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, हिमालय की जड़ी बूटी का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर ये घटना घट चुकी है, वरना भारत के नॉर्थ से आई जड़ी बूटियाँ उसके बिल्कुल साउथ में कैसे पाई जा सकती हैं? लंका जलने के अवशेष। रामायण की कथा में हमें ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, जिस वजह से पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि लंका के जलने के अवशेष मिल चुके हैं। असल में शोधकर्ताओं ने जांच के बाद ये बताया कि यहाँ की मिट्टी काली पड़ चुकी है, और ये पूरे श्रीलंका का हाल नहीं है, बल्कि जिस जगह पर लंका के होने का जिक्र है सिर्फ वहाँ की मिट्टी ही काली हुई है, बाकी उसके आसपास के इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यही सब चीजें वैज्ञानिकों को रामायण के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। राम सेतु। दोस्तों हम सभी को पता है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है, जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कई सारे वैज्ञानिक काफी खोजबीन करने में लगे रहते हैं। पर अगर हम रामायण की कथा की बात करें तो इसमें राम सेतु के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। रामायण की कथाओं के अनुसार ये सेतु वानरों द्वारा पत्थरों से तैयार किया गया था, और इसमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। हालांकि अब राम सेतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गूगल मैप में देखा जाए तो हम और आप इसे साफ साफ देख सकते हैं। अगर हम इस राम सेतु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च और उसके बाद ये बताया कि इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर काफी खास किस्म की धातु के बने हैं, जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। अब आइए आपको उस गुफा के बारे में बताते हैं जिसमें माता सीता को असुरों द्वारा पकड़कर रखा गया था, और हम ये बात ऐसे हवा में नहीं कर रहे, बल्कि ये बात पुरातत्व विभाग वाले लोगों ने इस गुफा की जांच करके बताई है, जिसमें पाया गया है कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरली बनकर तैयार हुआ है, इसमें किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं था। रामायण की कथा में भी इसी का जिक्र करते हुए बताया गया है कि माता सीता को असुरों ने अगवा करने के बाद यहीं पर रखा था, और इस चीज की पुष्टि करने के लिए आप यहां बनी तस्वीरों पर नजर डाल सकते हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जो कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी हैं। ये तस्वीरें रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। पानी में तैरने वाले पत्थर। जैसा कि हमने आपको बताया, राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर विशालकाय होने के बावजूद पानी में डूबते नहीं थे बल्कि ऊपर ही तैरने लगते थे। हालांकि सुनामी के बाद इन पत्थरों में से कुछ तैरते हुए जमीन पर आ गए थे, पर शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरने लगे, जबकि वहाँ मौजूद दूसरे पत्थरों को अगर पानी में डाला जाए तो वो तुरंत डूब जाते हैं। वैसे तो अगर साइंटिफिक तौर पर बात की जाए तो इन पत्थरों में ऐसे कई सारे मटेरियल्स मौजूद हैं जो इस तरह की विशेषता को रखते हैं, उन्हें पानी में डाला जाए तो वो डूबेंगे नहीं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोगों को आज से कई सालों पहले इस तरह का आइडिया आया कैसे कि वो उन पत्थरों का इस्तेमाल करें जो पानी में नहीं डूबते हैं, और उन्हें इस तरह के पत्थरों के बारे में पता कैसे चला? आपको क्या लगता है दोस्तों, राम सेतु के बनने की कहानी सच है या फिर आप भी साइंटिफिक चीजों पर ही विश्वास करते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जहां माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता रावण के महल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि ये जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे इस समय अग्गाला बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर सीता जी को रखा गया था उसे सीता इलिया कहा जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इन सब चीजों का कोई इतिहास न होता तो भला श्रीलंका के लोग इस जगह को ये नाम क्यों देते? भगवान हनुमान के पैरों की निशान। दोस्तों कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में निकले
तो उन्होंने भारत से श्रीलंका जाने के लिए एक लंबी सी छलांग मारी थी। जब भगवान हनुमान ने छलांग मारते हुए इन पत्थरों पर अपने पैर रखे थे तो पत्थरों के ऊपर उनके पैरों के निशान बन गए थे जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने इस जगह की पुष्टि करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये चिन्ह आज के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जाने वाली थी, तभी हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया और ये निर्णय किया कि वो इसको लेकर जाएंगे। पर युद्ध के बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को वहीं पर लाकर रख दिया था। ऐसे में अगर इस पर्वत को देखा जाए तो उसमें आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोग इस पर्वत की पूजा करते हैं। अग्नि परीक्षा। आपको रामायण पता हो या ना हो, लेकिन ये चीज जरूर पता होगी कि माता सीता को रावण से बचाने के बाद भगवान राम ने उनसे उनकी पवित्रता साबित करने के लिए कहा, जिसके लिए सीता जी को अग्नि के अंदर से गुजरना पड़ा और इसे अग्नि परीक्षा कहा गया। दोस्तों, आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे माता सीता ने इस परीक्षा को दिया था और आज भी यहाँ के लोग न सिर्फ इस पेड़ की पूजा करते हैं बल्कि इस पेड़ के नीचे आकर कई सारे अहम फैसले लेते हैं। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लाखों साल पहले श्रीलंका में इंसानों के घर हुआ करते थे और राम सेतु के पत्थर भी उसी काल के हैं। रावण का महल। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विभाग वाले लोगों को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। इस महल से कई सारे गुप्त रास्ते निकलते हैं जिन्हें देखने पर पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए होंगे, पर ये गुफाएं बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं जो हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हनुमान गढ़ी। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान हनुमान ने श्री राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसलिए अयोध्या में जो कोई भी जाता है वो हनुमान गढ़ी के दर्शन जरूर करता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे थे तभी से भगवान हनुमान ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। यही कारण है यहाँ का नाम हनुमान नगर है। अयोध्या के पास आज भी इस जगह पर आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, रामलिंगम। अब बात करते हैं उस शिवलिंग की जिसे भगवान राम ने खुद बनाया था। रामायण की कथा के अनुसार रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा क्योंकि उनके हाथ एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था और इसीलिए उन्होंने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें चार शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग तो सीता जी ने बनाया जो कि रेत से बनकर तैयार हुआ था। दो शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था जो आज भी आपको उस मंदिर में देखने को मिलेगा। पंचवटी। दोस्तों, जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तो उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक एक लंबी यात्रा की थी और नासिक के पास आज भी पंचवटी तपवन है जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकलने वाले भगवान राम, सीता माता और भाई लक्ष्मण रुके थे और यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक काटी थी। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर मौजूद है। रामायण की कथा के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इसी जगह का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। साथ ही साथ सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम भी रखा गया है जहां हजारों श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में माता सीता के दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।